हेलो फ्रेंड्स, निखिल की पांडे शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, सीक्रेट गेम्स के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कुछ भी ऐसा मूवी या कोई वेब सीरीज नहीं आया था, तो हम तो वेट ही कर रहे थे उनका। और अगर आपको याद होगा, टिग्मांसु धूलिया, जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 में ज़बरदस्त काम किया था, उनका भी कोई मूवी हम देख नहीं पाए थे इतने दिनों से, कोई वेब सीरीज आया। और लास्ट ईयर के बाद से इवन राधिका आप्टे भी नेटफ्लिक्स से चले गए, तो वो नजर ही नहीं आ रहे थे। वो लास्ट ईयर तो आपको याद होगा कितना सारा मीम उनके ऊपर आ रहा था कि हर नेटफ्लिक्स का कोई भी वेब सीरीज हो, मूवी हो, कुछ भी बने, उसमें राधिका आप्टे जैसे भी रहते हैं। लेकिन वो भी फिर ऑलमोस्ट 1 ईयर से नहीं दिख रहे थे। तो ये एक अच्छा एक आपके लिए मैं न्यूज़ लेके आया हूँ। 31 जुलाई को नेटफ्लिक्स में एक मूवी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है रात अकेली है। इसमें हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी, टिग्मांसु धूलिया और राधिका आप्टे सबको देख पाएंगे। ये तीनों एक्टर्स को एक साथ देख पाएंगे, तो काफ़ी मज़ेदार होगी। मीन्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे को सीक्रेट गेम्स के बाद, और मज़ेदार सबसे जो जोड़ी होगी दोस्तों, वो होगी नवाजुद्दीन और टिग्मांसु धूलिया का। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो लास्ट दिखे थे, कुछ 8-10 साल हो गया उसको मूवी को आए हुए, तो ये बहुत ज़बरदस्त रहेगी। और मैंने जो इसका जो समरी पढ़ा है, वो एक ऐसा है कि एक कोई टाउन में एक बहुत नामी पॉलिटिशियन का डेथ हो जाता है, और उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए एक पुलिस को कॉप को बुलाया जाता है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। तो देखते हैं ट्रेलर और उसमें अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों। ट्रेलर तो वाकई बहुत मज़ेदार थे दोस्तों, और कुछ इंटरेस्टिंग था। मीन्स वो जो मिस्ट्री थ्रिलर रहता है, एक जो इतना बड़ा कांड हो गया है, एक मर्डर हो गया है, उसको कैसे ये फाउंड, जटिल यादव नाम भी देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। जटिल यादव, जटिल आपको मालूम होगा, कॉम्प्लेक्स उसका मतलब होता है। तो क्या जटिल यादव ये जटिल सा मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर पाएंगे? अच्छा, और सबका इंटरेस्टिंग कैरेक्टर सा लग रहा है। जितना भी वो घर पे पॉलिटिशियन के घर वाले लोग हैं, सबका कुछ ना कुछ मोटिव लग रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा देख के तो लग ही रहा है, कुछ ना कुछ हिडन है उनका बीच में। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, और ऐसा लग रहा है कि जो जानता भी है उसको भी थोड़ा खतरा ही है, ऐसा है। सही है कैरेक्टर, मेरे को जितना ऐसा लग रहा है बहुत फोकस जा रहा है राधिका आप्टे के ऊपर। हो सकता है कि वही मर्डर हो या कोई दूसरा हो, जबरदस्त था। और इवन ऐसा लगा मुझे टिग्मांसु धूलिया का भी कहीं से हाथ है कुछ, कोई ना कोई, क्योंकि ऐसा एक दो सीन में लगा कि वो ट्राई कर रहे थे नवाजुद्दीन वो केस में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, हट जाए। तो इंटरेस्टिंग रहेगी ये, बस इसका एंडिंग अच्छा होना चाहिए दोस्तों। जो मिस्ट्री है ऐसा स्लो नहीं होना चाहिए, ट्विस्ट पे ट्विस्ट चलते रहना चाहिए, एंड एक हमको मज़ेदार एंडिंग देखने मिले जो हम गेस ही ना कर पाए, वैसा रहना चाहिए। और एज ए जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी टॉप फॉर्म में लग रहे हैं, पूरा मनोरमा 6 फीट अंडर की याद आ गई, उसी टाइप का स्टोरी है। देखिए, स्मॉल टाउन में एक बड़ा पॉलिटिशियन का मर्डर हो गया है, और ऐसा देख के लग रहा कि मैक्सिमम लोग कोई भी उसको लाइक नहीं करते, उनके घर वाले पूरे कुछ ना कुछ, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ राज है, कुछ ना कुछ मोटिव है उनको मारने का। तो ये अच्छा मज़ा आएगा देख के लग रहा ना। होप ये नेटफ्लिक्स का एक अच्छा ओरिजिनल मूवी निकले। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये रिव्यू हमें बताएं, ये ट्रेलर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और आपको क्या लगता है इसका एंडिंग क्या हो सकता है? ठीक है दोस्तों, फिर एक और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।